कई बार ना कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। एक्चुअली सिचुएशन को समझना चाहिए। कई बार जब आप ज्यादा बोल जाते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। और मुझे लगता है ये जो कुणाल कम बोलकर वंदना के पिताजी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यानी कुछ अनकही बातों से, दैट इज अ गुड अप्रोच। वेल, कुणाल और वंदना की हो रही है हल्दी, हालांकि पापा जी स्टिल नॉट हैप्पी। बधाई, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि वंदना और कुणाल की शादी का। फाइनली आज दोनों एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, जिसके जश्न में पूरा घर डूबा हुआ है। फूलों की बारिश और साज सजावट के साथ, यहाँ तक कि इनके नाम का हैशटैग तारा ने लिखवा रखा है, या यूं कह ले कि इनके एंगेजमेंट की शाम को शानदार बनाने में किसी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मैं, मेरी पापा और मम्मा की सगाई हो रही है, वो आ रहे हैं, तो फूल फेंकना है, सब करना है और तैयारी की। मुझे बहुत मजा आया। ये वाला हैशटैग है तो जो फैंस ने हमको दिया है और हमने भी बनाया है, कुवन। वैसे जहां एक और फूलों की बारिश हो रही है, तारा इनके नाम का हैशटैग लिखवाकर इनका स्वागत कर रही है, तो वहीं वंदना और कुणाल की जोड़ी भी इस नीले आउटफिट में खूब जच रही है। कर रहे हैं दोनों डार्क ब्लू। कुणाल का फेवरेट कलर है ब्लू। हाँ, दैट्स व्हाई। और नाइस, मेरी भी जैकेट है, वो भी उससे मिलती जुलती है, लॉट ऑफ शिमर, लॉट ऑफ ब्लिंग ब्लू, इट्स रियली नाइस। थैंक यू निशा दी। या थैंक यू निशा। निशा दी हमेशा हमेशा कोशिश करती है कि मुझे बहुत 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 सुंदर दिखाए, और हमेशा दिखाती है निशा दी मुझे सुंदर। सो थैंक यू निशा दी, और बहुत प्यारा आउटफिट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे बेटी की शादी करना और उसे खुशी खुशी विदा करना, ये हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो वंदना के पिता के चेहरे पर इनकी एंगेजमेंट की कोई खुशी नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि वो इनके एंगेजमेंट में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसे लेकर वंदना को न सिर्फ दुख है बल्कि उसे ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, बाबा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और वो शायद होगा भी नहीं, क्योंकि बच्ची मान नहीं रही है, बच्ची समझ नहीं रही है। वो कुणाल को मना के उसको मेरे पास ला के दोनों माफ़ी मांग रहे हैं, दोनों आशीर्वाद मांग रहे हैं, पर ऐसे बाबा का गुस्सा ठंडा नहीं होता। बाबा चिढ़ते नहीं है, लेकिन चिढ़ जाते तो ठंडे नहीं होते। कहते हैं जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, और वंदना भी यहाँ अपनी एंगेजमेंट अपने बाबा के आशीर्वाद के बिना नहीं करना चाहती। तभी तो देखिए ना कैसे वो और कुणाल दोनों वंदना के बाबा को मनाने और उनका आशीर्वाद लेने पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज पापा का कंसर्न भी गलत नहीं है। कुणाल के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा ही बुरा रहा है, बिकॉज कभी घर से बाहर निकाल दिया हो, कभी पुलिस बुला ली है घर पे, तो ऐसे में तो पापा ऑब्वियसली बेटी को तो उनके घर भेजेंगे नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मना लूँगी पापा को ज़रूर मना लूँगी।
हाँ मुझे लगता है मुझसे पहले कुणाल मना लेंगे पापा को, बिकॉज इन 6 महीनों में कुणाल कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गए हैं और कुणाल ज़रूर मना लेंगे पापा को। वेल, इतने ड्रामे के बाद आखिरकार इनकी अधूरी कहानी अब पूरी होने जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि सीरियल की शादी इतनी आसानी से कैसे हो सकती है, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ड्रामे का तड़का लगना अभी बाकी है। और वो ड्रामे का तड़का कौन लगाएगा या फिर इनकी एंगेजमेंट हो जाएगी? खैर जो भी होगा वो सब देखने लायक होगा, जिसे देखने के लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।